हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू प्रिडिक्शन में। मैं हूं आपके साथ मसूद खुदाई और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री चैनल। आज हम जिस मैच को प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं वो है बर्नले बनाम क्रिस्टल पैलेस। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी आज मैच है, वो कुछ देर बाद स्टार्ट होगा, उसकी भी हम प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन प्रीमियर लीग के आज बड़े ही कांटेदार मैचेज़ हैं और तमाम मैचेस की प्रिडिक्शन की जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। अगर हम इस दोनों टीमों की बात करें तो बर्नले 18वें नंबर पर है मौजूद, रेलीगेशन के अंदर है। लास्ट थ्री टीम्स जैसे कि आपको पता है रेलीगेट कर जाती हैं और टॉप फोर टीम जो है वो चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती हैं, जबकि 5वें नंबर पर जो टीम होती है वो यूरोपा लीग में जाती है। तो क्रिस्टल पैलेस 10वें नंबर पर मौजूद है, तो ये तो है सेफ, ये तो रेलीगेट नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेलीगेट हो जाएंगे। बर्नले के पास मौका अच्छा है कि वो ये मैच जीत जाएं, क्रिस्टल पैलेस से कोई एक अपसेट कर दें ताकि अपनी पोजीशन को मज़ीद बेहतर करके रेलीगेशन वाले 3 नंबरों से ऊपर आ जाएं। क्योंकि तमाम टीमों का एक एम तो ये होता है जो छोटी टीम है कि हम रेलीगेट ना हों, क्योंकि रेलीगेट से फिर वो नीचे वाली लीग में चले जाएंगे, फिर वहाँ पे उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और जीत के आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लंबा सफ़र हो जाता है, एक दफ़ा क्वालिफाई कर चुके हैं तो फिर कोई टीम नहीं चाहती कि वो यहाँ से रेलीगेट होकर फिर नीचे वाले सीज़न खेले या लीग्स खेले। तो इस मैच की प्रिडिक्शन पे बात करते हैं, तो अभी तक हमारा मैच जो है वो शून्य शून्य पे जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम मजीद गेम्स पर भी गेम प्लेस बनाने वाले हैं। हिदी टॉपिक में गोल हो सकता था लेकिन अच्छा डिफेंस किया यहाँ पे जहा के पास, जहा से मैं कॉर था, काउंटर लग सकता है, रेडवेल जहा को वापस पास दिया है। तो बात हो रही है न्यू गेम्स की है। आने वाले दिनों में स्टोरी गेम्स पे हम हिंदी में गेम प्लेस बनाने वाले हैं, एडवेंचरस गेम्स भी होंगी, बाकी भी गेम्स होंगी। तो ये सब कुछ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। ऑफ साइड हो गया है यहाँ पर, आई थिंक लग रहा है यहाँ पर, और कॉर्नर मिला है, बल्कि ऑफ साइड नहीं था, डिफ्लेक्शन हुई है, कॉर्नर मिला है और बर्नले के पास है चांस यहाँ पर गोल करने का, लेकिन नहीं कर पाए। क्रिस्टल पैलेस आगे बढ़ता हुआ, बेंटेके से वैन हॉलैंड नीचे पास दिया है, रेडवर्ल्ड ने बेंटेके को पास दिया है, यहाँ पे फाउल हो जाएगा। बेंटेके के ऊपर टैकल करना चाह रहे थे लेकिन फाउल कर बैठे बंदे की खिलाड़ी। अभी तक शून्य शून्य पे मैच जा रहा है, ड्रॉ भी कोई इनके लिए बर्नले के लिए फ़ायदा साबित नहीं होगा। बर्नले को अगर आगे क्वालिफाई करना है तो रेलीगेशन से निकलना है तो ये मैच जीतना लाजमी है। आज एक और प्रीमियर लीग का बहुत बड़ा मैच होने वाला है, लिवरपूल आर्सेनल का। आर्सेनल जब लीग स्टार्ट हुई थी तो उसके अंदर बहुत नीचे थी और बहुत लोग उनके ऊपर हंस भी रहे थे, उनके मैनेजर के ऊपर भी हंस रहे थे, क्योंकि वहाँ पर युवा टीम है, सीनियर बस कुछ ही प्लेयर हैं, बाकी उन्होंने युवा प्लेयरों को लिया है ताकि वो चेल्सी के नक्शे कदम पर जा रहे हैं। जैसे चेल्सी ने लास्ट सीज़न में युवा प्लेयर्स को लिया और अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसी टीम को अब आगे लेके जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर का सोच रहे हैं। और आर्सेनल भी ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर का सोच रही है, वो अभी इतना फिक्र नहीं कर रहे कि हार जाएंगे जो है, लेकिन आने वाले एक दो सालों में उनकी टीम खड़ी हो जाएगी। ये हमारे प्रेडिक्शन शून्य शून्य पर ख़त्म है, हम आपसे मिलेंगे अगली प्रेडिक्शन में, तब तक लिए सी या।